मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को श्रमिक दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारा सौभाग्य है कि यहाँ श्रमिकों के बीच में आने का मौका मिला, उनके साथ भोजन करने का मौका मिला और मैंने उनसे बात की। यहाँ पर श्रमिकों को रोज 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलता है और इसकी शुरुआत डॉक्टर रमन सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी की थी और आज तक वो लगातार चल रहा है। सारे श्रमिक यहाँ पर सवेरे आते हैं और भोजन करते हैं और जहाँ भी उनको काम मिलता है चले जाते हैं। देखिए, मैं 2 साल भारत सरकार में लेबर मिनिस्टर के रूप में भी काम किया हूँ, श्रमिक के रूप मतलब श्रम मंत्रालय में भी राज्य मंत्री के रूप में काम किया हूँ और मैं गांव का रहने वाला हूँ। तो जितना हम श्रमिकों की समस्या समझेंगे उतना दूसरे शायद नहीं समझ पाएंगे। और आज जो हम लोग विकास देख रहे हैं शहर में, चाहे रोड है, चाहे रेलवे है, चाहे बड़े बड़े भवन है, बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, ये सब के पीछे श्रमिकों का हाथ है, उनका परिश्रम है, उनका पसीना है। वो लोग झोपड़ी में रहते हैं लेकिन दूसरों को महल रहने के लिए देते हैं, वो लोग साइकिल में चलते हैं लेकिन दूसरों के लिए मोटर गाड़ी के लिए और मोटरसाइकिल के लिए और रेल के लिए वो लोग पटरी और सड़क खड़ा करते हैं। ऐसे श्रमिकों को आज के इस दिन मैं नमन करता हूं, उन्हीं के बदौलत हमारा ये पूरा विकास टिका हुआ है। जी, महतारी बंधन योजना की किस्त कल जारी हो जाएगी, हाँ, तीसरी किस्त कल जारी हो जाएगी। बहुत बहुत बदलाव आ रहा है। एक मीडियम क्लास के परिवार में 1000 रुपया महिलाओं के हाथ में इकट्ठे आ जाना बहुत बड़ी बात है और उनका काफी सहयोग हो जा रहा है। कांग्रेस मुद्दा भीन हो गई है, पूरे देश और छत्तीसगढ़ में जनता का विश्वास खो चुके हैं, उनको हार